तो गाइस ये बनवाया मैंने, ये कितनी प्यारी दिख रही है, कितनी अच्छी लग रही है जूते आपके। तो ये बाद निकलवाना, फिर चलते हैं। गुलाब जामुन लग नहीं रहा, तूने कल बच्चे पैदा करे हैं। इसलिए मैं यहाँ आया था। डांस करो, जल्दी जाओ। ये है आयान। फाइनली गाइस पायल पहुँच गए घर। आपका स्वागत है मलिक खानदान में। ला एक और, एक और, ये पहला पैर भी डाल। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करते हो आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ, दोपहर के बज गए हैं 12 और मैं जस्ट अभी शावर लेकर आई हूँ। टॉवल नहीं मिला था तो अपनी टी शर्ट बांध ली, बहुत ही फनी लग रही हूँ, बट सोचा कोई बात नहीं, वेलकम बैक कर देती हूँ। तो गाइस डेकोरेशन हो गई है एकदम डन और बहुत ही सुंदर लग रही है। मैं कैमरे में दिखा देती हूँ, देखो तो ये है डेकोरेशन, बहुत ही सुंदर है। ये पूरा का पूरा पाथ बनवाया है पायल और बच्चों के लिए। यहाँ से जाएंगे पायल बच्चे अपने रूम तक चलकर। खुश हो जाएगी शांति पायल देखकर। कैसी डेकोरेशन है? बहुत सुंदर। तो गाइस बहुत ही मजेदार सी डेकोरेशन हो गई है और गोलू ने सब कुछ दिखा भी दिया है, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे भी है, यहाँ पे ऊपर भी है, ऊपर अंदर दिखाता हूँ कैसी कमाल की कर रखी है डेकोरेशन। मैं तो अभी कार्डियो करके आया हूँ 1 घंटा और तो थोड़ा सा मजेदार लग रहा है हर जगह। तो डेकोरेशन किन्होंने की है मैं मिलवा देता हूँ। हमारे भाई हैं छोटे और पाजी इतने हैं, तो पाजी ने बहुत ही कमाल की डेकोरेशन किया। पिछली बार मैं बहुत नाराज था गोलू से, मैंने बोला तूने क्या कैसी डेकोरेशन करवाई मुझे समझ नहीं आई, तो आपकी बारी बहुत ही ज़बरदस्त हुई है, भाई ने की है। तो भाई का कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर ही डाल देंगे, इंस्टा ही डाल देंगे, तो कॉन्टैक्ट कर लेना जीरकपुर या फिर ऑल इंडिया कहीं भी। हाँ जी, ऑल इंडिया कहीं पे हमारा डेस्टिनेशन वेडिंग कैटरिंग फ्लावर डेकोरेशन प्लस बैलून डेकोरेशन का काम, शादी वादी सब सब ए टू जेड सर। बस आपने इवेंट और करना, हमने ऑर्गेनाइज करना सर, आपके सारे ड्रीम्स हम पूरे करेंगे बिल्कुल। तो मिलते हैं इनसे बहुत ही जल्दी और अभी 1 घंटे बाद वापस आने वाले हैं, कुछ कार्टून्स भी लेके आने वाले हैं। तो आज थोड़ी पायल की एंट्री हम स्पेशल रखें, ठीक है भाई? थैंक यू। तो गाइस सच में ना इतनी भागम दौड़ी हो रही है, इतनी भागम दौड़ हो रही है ना, फटाफट मैंने काम करा है। ये दोनों देख निश्चा लगा दिए, ठीक है, ये लगा दिए मैंने और ये वाला है, ये इसमें लेकर आएंगे अयान को और तुबा का अलग निकाल दिया। पायल का जो झूला है बाहर रेडी हो गया, बस मैं भी फटाफट ना रूम सेट करा रही हूँ, सारा काम करवा रही हूँ, फिर पायल का वेट आने। पर दीदी क्रेडिट गोज टू यू, बहुत सुंदर डेकोरेशन लग रही है। देख सामने, ये वही डॉल है ना जो मैं लेके आया था। हाँ, तो गाइस ये बनवाया मैंने, ये देखो इतना स्पेशल, इतने सुंदर फूल बनवाया, मतलब आइडिया मेरा, काम ये करके आई है। तो हमारे साथ क्या पूरी टीम इतनी अच्छी है गाइस हमारी, कि हम जो बोलते हैं ना उसी वक्त हो जाता है, फटाफट सुबह सुबह आइडिया आया। तो ऐसे मैंने बनवाई है दो, ठीक है, दो बच्चों के लिए और साथ ही साथ सेम बनवाया है उनकी मम्मा के लिए, क्योंकि मम्मा को भी स्पेशल फील होना चाहिए, वही 9 महीने पेट में रखा है, इतनी मुश्किल प्रेगनेंसी थी और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने इतनी सारी विशेस दी थी, तो ये बहुत सुंदर मालाएं आ गई है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और हम जा रहे हैं भैया अभी पायल को लेने के लिए, तूबा को लेने के लिए, आयान को लेने के लिए। तो पायल वेट कर रही है सुबह से और हम कर रहे थे पूरे घर की डेकोरेशन और वो हो गई कंप्लीट। तो भैया हर जगह तैयारियां बर्थडे भैया देख रहे हो, ऐश हो रखी है पायल की। तो भैया फाइनली हम पहुंच गए हॉस्पिटल। पायल मैडम देखो रेडी हो रखी है, कैसे रेडी? बस कपड़े चेंज करने हैं। हाँ। पद्मपुर मैम यहाँ पर है। पायल के हम सिर्फ फेस पे फोकस करेंगे, सिर्फ वही तैयार है अभी। पायल इज फाइन, बेबी इज फाइन। और मैम ने अभी मेरे बारे में कुछ चीजें बताई हैं, जैसे कि वो कल एक पैच निकला ना मेरे उस एक्सरे में नमूने का, तो उसके लिए मेरी जो है दवाइयाँ चलेंगी, डोज हाई डोज, वो पायल ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा पायल नीड्स एन लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा केयर, क्योंकि जब कृतिका की डिलीवरी हुई थी 20 दिन पहले भी पायल थोड़ी सी ढीली थी, तब भी जुकाम खांसी बुखार हुआ था, तो शी विल बी फाइन। बट थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे जने जब क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं, कहते थे ना जो जच्चा बच्चा है 40 दिन तक थोड़े से सेपरेट होने चाहिए, जच्चा के कमरे में भी नहीं जाने देते, तो वो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखेंगे एंड पायल विल बी फाइन। अभी भी पायल फाइन है, देखो आपके सामने कितनी प्यारी दिख रही है। ये पायल का लुक है देखो, ये लुक नहीं है अभी, तो मैं अभी तो सूट पहनूंगी, अभी मैंने सूट मंगाया नया। अच्छा ठीक है, रेडी हो जा फटाफट, वेट कर रहे हैं वहीं घर पे। तो वो लोग नहीं आ रहे? नहीं, यहाँ से मैं लेके जाऊंगा, वहाँ पे वो मिलेंगे। नहीं, यहाँ पे भी तो आएंगे गोलू, बुला लेंगे। हाँ, गोलू हैज टू बी देयर, गोलू के बिना केक कटिंग नहीं हो सकते। नहीं, पूरी टीम आएगी यहाँ, तो इतना गोलू के बिना तो हो ही नहीं सकते। चलो मैं बुला लेता हूँ, और वो जैद तो होने चाहिए ना। चलो और चीकू, चलो मैं सबको बुला देता हूँ। अरे नहीं आए, तेरी कसम अकेला आया हूँ। अकेले आयो? हाँ भैया, सब लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पूरी टीम कब आए और कब हम केक काटे और तब हम घर पहुँचे। अपनी जो चूबा है ना, उसका बहुत बुरा हाल हो रहा गाइस, क्योंकि वो दो दिन पूरा नर्सरी में थी ना, तो उसके डायपर बना के रखा हुआ था और ऊपर पूरा वार्म हीटर चल रहा था, क्योंकि बच्चे को ना ऐसा लगना चाहिए कि वो माँ के पेट में अभी, तो ना पूरा रैशेज हो गया, पूरा रेड रेड। तो मैंने उसको
अभी ना कुछ नहीं बना रखा, कंबल उड़ा रखा घर पे भी 3-4 दिन, उसको ऐसे ही रखूंगी, कपड़े नहीं बनाऊंगी। नहीं गाइज यहाँ पे ना मेरा टचअप चल रहा है क्योंकि मैं पहनने वाली हूँ नया सूट और बस मेरे पास 20 मिनट है रेडी होने के लिए, तो बस फटाफट ना टचअप कर रही हूँ। टचअप के साथ साथ वहाँ पे बुआ जी रेडी कर रहे हैं जैट को। ये शोनी तो गाइज हमारे घर में लक्ष्मी आने वाली है तो उसके लिए हमने मंगवाया है अल्ता, तो इसमें हम उसके पैर छपाएंगे और व्हाइट कपड़े पे छपा के उसको क्या करेंगे फ्रेम कर लेंगे। हाँ। हमारे घर में लक्ष्मी आएगी उसके नन्हे नन्हे पैर छपाएंगे हम। क्या शांति क्या बोल रहे हो? कह रहे गेट पे नहीं लगवाते हैं ऐसे, गेट पे पैर छपाते हैं, वो देख लेंगे दीदी बता देंगे। तो गाइज यहाँ पे ना दीदी ने रेडी कर दिया जैद को, जैद बन गया है नोना बाबू। आज उसने पहने हैं शूज, ये देखो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं जूते आपके। पहले ना शादी होती थी ना बेटा जब जूते पहनते थे सब इसके लेदर के। अच्छा तो बिना शादी लेदर के जूते पहने। ए भाई बहन आ रहे हैं इसके। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और ये है मेरी फाइनल लुक, और आज मैंने पहना है नया सूट क्योंकि घर में प्यारे प्यारे मेहमान आने वाले हैं। शांति कैसे लग रहा है सूट? और बहुत दिन बाद सिंदूर लगाया आज मैंने, बहुत दिन बाद मेकअप करा क्योंकि ना सब बोलते हैं मेकअप नहीं कर रही मेकअप नहीं कर रही, तो मेकअप कर लिया। और पायल और मैंने दोनों ने सेम सूट पहना। अभी शांति बोलती दीदी ये क्या है? गाइस मैं आई थी नीचे अपने बाल थोड़ा सोचा कि मैं काम करती हूं, वहां से ट्रिल्स बनवा लेती हूं, पर बंटी भैया थे नहीं तो काम, अब मैं इतना वेट नहीं कर सकती नीचे क्योंकि जैद भी ऊपर है, तो सोचा ऊपर चले जाती हूं काम कर लक्ष्य, तो बंटी भैया को बुला ले क्योंकि मेरे को बाल तो स्ट्रेट करवाने नहीं, बाल तो मेरे वैसे सीधे है, बस मेरे को आगे ना वो करनी है, दो मीडिया नहीं होती। तो गाइस हम लोग हो गए रेडी, मैंने यहाँ पे ले लिया है तूबा के लिए पिंक कलर का, यहाँ पे ले लिया यान के लिए ब्लू कलर का, दीदी ने ले लिया जैद को, तो हम लोग बस निकल रहे हैं फटाफट हॉस्पिटल के लिए। सारी की सारी तैयारियां हो गई। शांति हमारे आने से पहले यहाँ पे फूल बिछा दियो, थाली रेडी रखियो, तेल रेडी रखियो, लोटा रेडी रखियो और बाकी सामान तो यहाँ है ना, ठीक है ना, और वो जैद वाला रूम सेट कर दियो, ठीक है मैं जा। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं और चीकू के पापा निकल चुके हैं, हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, तो मैं दीदी चीकू लक्ष्य नितिन भैया बस हम निकल गए हॉस्पिटल के लिए। जग्गा भैया वापस आ रहे हैं, जग्गा भैया धीरज भैया अनुज भैया निशु भैया जितने लोग जिन दिन को आना है ना सब आज हॉस्पिटल जाएंगे। भैया मुझे लग रहा है फुल धमाल में जाने वाले हम लोग हैं भाभी, लेकिन जिस बार जो वो पिछली बार खाने का था ना हम छोड़ के आ गए थे, इस बार खा के आएंगे हम। इस बार तो मैं भी खाऊंगी, पिछली बार तो मेरे एक पकौड़ा। हाँ बेटा मम्मा जब भी कहीं जाते हैं ना जैद, हाँ। तो मुझे नींद नहीं आती, पहले तो आ जाती थी अब नहीं आती। कितना झूठ है वो, क्यों कितना झूठ है, क्यों बोल रहे साहब? जैद बाहर था कल सारा दिन सो रहा था, ये रात को भैया जैद के साथ ही सो रहा था, परसों जैद हॉस्पिटल गया था भैया, तो सो रहा था 8 बजे ना भैया, झूठ बोल रहे यार सरेआम यार। तो गाइस फाइनली स्पेशली डिमांड करी कि गोलू तू येला सूट पहन के, तो मैंने येला सूट पहन लिया, देखो हम दोनों ने पहना है बिल्कुल सेम सूट, अच्छा लग रहा है मम्मी सेम सेम सूट पहना, बस एक कमी है पायल सिंदूर ने लगाया, सिंदूर ने पास ही नहीं, तो मेरे पास थी। और मैंने जैद को भी पायल सही रेडी करा है, दीदी ने रेडी करा है। जूते कैसे लग रहे मम्मी इसके? सही लग रहे हैं, मैं लेके आई थी पायल, लेकर बताया तो था पायल लेके आई है, वो सब भी अभी आएंगे खत्म आज ही को आएंगे, आज चीकू मुझे बोल रहा गाइस चलो अब तो ये हो सकता है कि है ना हमें कपड़े संभाल के नहीं रखने पड़ेंगे कि आने वाले बच्चों के आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है जो हमारी साली है ना उसके लिए रख देंगे, उसके बच्चों को आ जाएंगे। हां सही बात है, पहनेगी अपने। और ये वाली जो ड्रेस है ना ये निष्ठा लेकर आई थी, इसकी मासी लेकर आई थी और बिल्कुल फिट आई है इसको बिल्कुल। भैया मेरे देखो पहले ये देखो हाथ दिख रहा है सूजा हुआ, यहाँ पे करा फिर यहाँ पे करा, ये हाथ भी सूजा हुआ है, अब वो यहाँ पे नस मिली है। वो जो वो दोनों बच्चे ना जैद का जो शक्ल है ना, जैद की शक्ल गोलू पे गई है, मतलब वो तो सब मेरे पे गया है, पर ना जो गाल पे बाल आते हैं ना वो गोलू पे गए, और जो तूबा है और अयान के गालों पे बाल है वो मेरी तरह। दिखाना मेरे बाल, देखने इसके मुँह पे हॉल के बाल है, मुँह पे लाइट लाइट बाल है, बट मेरे भी बाल है, देख लो काला टीका लगा घूमते गोलू, नजर लग जाएगी, दीदी ने लगाया, हाँ नजर लग जाती है, सुंदर बच्चों को लगती है। तो ये भाभी डेकोरेशन हो गया बहुत बढ़िया, लाखों की भीड़ होगी। ऑडियंस को है कर दो यार भैया, काफी लोग हैं देखो भाभी, बच्चे बैठे ये देखो, बहुत सारे लोग आए थे भी, कोई नहीं आया शोरों शोरों से पार्टी चल रही है, चारों तरफ काम चल रहा है। गोलू देखो क्या पी रहे बेटे, आपकी चाय पी रहे हो, अभी तो पार्टी यहाँ की है, जो घर की डेकोरेशन होगी उसमें पायल के जो रिएक्शन होंगे ना, बच्चों को तो पता नहीं होगा, पायल के रिएक्शन जो होंगे ना बहुत प्राइसलेस होंगे, तो खुशी उसके चेहरे पे होगी ना, उसको देख के हमें डबल खुशी होगी। पायल को बस अब ड्रिप चढ़ रही है, ड्रिप चढ़ने के बाद पूरी टीम वहाँ वेट कर रही है, हॉस्पिटल की भी टीम वेट कर रही है, हमारी खुद की टीम भी वेट कर रही है। बस हो गया मेरा ना, बाद निकलवाना फिर चलते हैं। तो भैया आज भी गोलू और पायल ने सेम पहन
पहना है, मतलब ये सेम सेम पहनने वाले हैं, बच्चे सेम सेम पहनने वाले हैं, रह जाता हूँ मैं अकेला, मैं चीकू भी सेम सेम पहनेंगे, हम भी सेम पहनेंगे। पहले जब हरियाणा या फिर कहीं भी शादी होती थी ना, चाय के साथ कोड़े होते थे, जो चटनी होती थी ना उसमें केला होता था, और स्पेशली हम जहाँ भी जाते थे ना चटनी के लिए जाते थे, आज भी है, आज भी वही है, केला भैया इसलिए डालते हैं क्योंकि परंपरा है, जो इंसान वो परंपरा होती है ना, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं तो केला डालने से छोटे। किस किस को याद है जब हम जागरण में जाते थे या फिर मंदिर जाते थे, वहाँ पे चूरी मिलती थी और चूरी के अंदर भी केला होता था, याद है? बिल्कुल भाई, और उसके लिए बैठे रहते, जागरण होता था ना वहाँ पे बूंदी भुजिया मिलती थी, रात ना उस बूंदी भुजिया के लिए बैठे रहते थे, चाय और बूंदी भुजिया के लिए। एक्चुअली मैं कभी ऐसे जागरण में नहीं गई, हमेशा मैं चीफ गेस्ट की तरह गई, तो मेरे को अलग से वीआईपी खाना मिला है। भैया माँ यहाँ घूम रही है, बच्चे अंदर हैं, ऐसा क्यों? थोड़ा घूमना पड़ता है, देखो माँ इसलिए घूम रही है क्योंकि बुआ है, नानी है, मासियाँ हैं, तो अभी हम थोड़ा सा अकेला टाइम स्पेंड करेंगे, 3 दिन बाद हम मिल रहे दोनों हैं। तो भैया बच्चों की खुशी में यहाँ पे पूरा प्रोग्राम चल रहा है चारों तरफ। हाँ सब बहुत खुश है, सब खा रहे हैं, देखो पालको प्लेट में। यहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ से लंगर है, गुलाब जामुन, आज गुलाब जामुन भी है। पायल तेरे को नहीं खाना? नहीं मैं खा सकती। चल पायल घर चल, चलो 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 भाई, चलो यार भीड़ मत करो, लेते जाओ जाते जाओ, चलो चलो भाई। लक्ष्य सारे खा के जाएगी क्या? अच्छा जाओ यार फटाफट खाते जाओ, निकलते जाओ, लग नहीं रहा तूने कल बच्चे पैदा करे हैं। 3 दिन हो गए। मोनिका मम्मी इकट्ठे आ रहे हैं, उनके पास ज्यादा ना। आजो आंटी जी, आजो अंदर, आजो आंटी जी, कमर दर्द हो रही है बहुत। भाभी मैं उधर ढूंढ रहा हूँ, आपने बताया तक नहीं, सारी सूखा सूखा खा रहे हैं। ये तो मिस कर दी, ये तो मेरा फेवरेट है। अरे वाह गाइस, वाह क्या पार्टी है, आज की पार्टी मेरी तरफ से। अरे भाई आ जाओ। तो गाइस अभी अभी सारी तैयारियां हो गई हैं, बस अभी नूपुर में आने वाली है। और कुछ ना काफी लोगों के कमेंट आ रखे हैं कि अरमान मलिक जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा रहा है वो बहुत ही महंगा है। तो बिल्कुल महंगा नहीं है भैया, बहुत ही चीप प्राइस में, आप पहले कहीं और ट्राई करना। सबसे बड़ी बात होती है सेफ्टी, और जो चीजें हमें यहाँ पे मिली है प्रोवाइड हुई, तो ऐसा लग रहा है कि भैया इससे सस्ता हॉस्पिटल दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। तो ये आप दिमाग से वहम निकाल दो, क्योंकि मैं बहुत ही सस्ती चीजों में जाना पसंद करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ आया था। बहुत ही अच्छी सर्विस मिली, घर जैसा माहौल था, और पता ही लगा कि हमने ये 9 महीने की जर्नी यहाँ पे निकाल दी। ये बात तो बिल्कुल सच बोली अरमान जी ने, 9 मंथ्स की जो जर्नी थी मेरी पाल की पता ही नहीं चला। इवन मैं और पाल यहाँ पे 3-4 दिन रहे हैं। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, मतलब कि जितना नर्स आपकी केयर करती है ना, हर हॉस्पिटल में करती है, बट यहाँ पर हमें बहुत अच्छा फील हुआ। बाकी पाल बताएगा। मेरा तो आज 4th दिन है गाइस यहाँ पे, और मैंने जैसे कि पहले भी व्लॉग में बोला है कि मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो बहुत आसान नहीं थी, बहुत ही क्रिटिकल प्रेगनेंसी थी। और मैं जब इस हॉस्पिटल में आई थी तो मैं बहुत बैड सिचुएशन में आई थी, और मैम ने मुझे संभाला है, तो 9 महीने तक संभाला है, और अब जो है बेबीज वो मेरे हाथ में दे दिए बिल्कुल सही सलामत। तो मेरे लिए तो ये दूसरा भगवान का घर। तो गाइस फाइनली हमारी नूपुर मैम आ गई है, और आज मैम बोल रही है कि आज आप लग रहे हो कृतिका मलिक, क्योंकि पिछले 3 दिन से नाउ आई एम हैविंग दैट फीलिंग दिस इज कृतिका एंड फायर, क्योंकि 3 दिन से हम लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं हो पा रहे थे बच्चों की वजह से। तो देखो मैम आज हमने सेम पहना है बिल्कुल जैसे आज पहनते हैं। तो गाइस अभी निकलने का टाइम आ गया, स्टाफ बहुत ही कमाल का है, सबने बहुत ही घर जैसे ट्रीट किया, तो देख रहे हो चेहरे, ये मासूम चेहरे, और हमारी बहन भी इधर, बस अभी निकलते हैं घर की तरफ। चलो भाई। तो गाइस ये मेरा इनाम मिल चुका है मुझे, हट जाओ बैठ जाओ, थक गया हम तो आज। भाभी ये मेरी प्लेट नहीं है। पायल के लिए गाड़ी सजवा दी है बहुत जबरदस्त। नहीं मुझे बता रहे हैं इनके लिए क्या है, मैंने ही अरेंजमेंट करा है, सब कुछ आपने करा है भैया। चिपको हम बहुत कर चुके हैं, जाओ डांस करो जल्दी जाओ। तो भैया पहुंच गए घर, जैद हमारे पास है। मेरी तो कमर रुक रही है। स्पेशली ना हमारे वेलकम के लिए आए हैं, और वेलकम के लिए बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कहाँ से आए हैं? हम पंचकुला से आए हैं, हमारी कंपनी का नाम है ड्रीम मेकर्स, हम सारी डेकोरेशन बर्थडे के लिए वेडिंग्स के लिए सारा ऑर्गेनाइज करते हैं। थैंक यू। चिकवा तो लाखों की तादाद में यहाँ पर, लाखों की भीड़ है बिल्कुल। बहुत ज्यादा इनको नाम याद नहीं रहते, भूल जाते हैं इसका नाम, भूल जाते हैं अयान कौन है, जैद कौन है, तुबा कौन है। देखो जी ये तीसरा, इसकी शक्ल रिवील कर रहे हैं आज हम गाइस, देख लो अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये है अयान, ये जैद है। हम कंफ्यूज हो गए हैं थोड़ा सा। फाइनली गाइस पायल पहुंच गए घर, और सब बच्चे आ गए हैं, टीम आ गई पीछे।
एक सेकंड तेल दूं अभी? नहीं अभी रुको, मेरी परंपरा मेरी पूरी। तो गाइस जिस खड़े का इंतजार था वो आ गई है, तो अभी सबसे पहले सुपर मॉम का वेलकम करेंगे। आपका स्वागत है मलिक खानदान में, आपने दो प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया है। तो अयान जी आपका भी स्वागत है, आपकी मम्मा कर रही है आपका स्वागत, और मेरी गुड़िया का भी कर रही हूँ। एक सेकंड, अब भी लक्ष्मी के पैर छापेंगे। हमारी लक्ष्मी घर पर आई है। ला बेला, ये ले मेरे पास है। ला एक और, एक ये पहला पैर भी डाल बेटा, अच्छे से रख। नहीं रही, ये ठंडा है ना, मेरे हाथ पे रखो। ये ताली मारो। चलो हमारी लक्ष्मी आ गई घर पे। आओ चलो यहाँ पे भी लगवा दो पैर। लक्ष्मी जी के पैर आ गए। लक्ष्मी माता की जय। चलो चलो तो भैया पायल का पूरा भरपूर स्वागत किया जा रहा है। आराम से आराम से पायल, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करना। मैंने गाइस बहुत अच्छा लग रहा है। अनुज भैया के पैर से फूट रहे और गोलू ने बहुत अच्छी तैयारी करी है। ऊपर देख थोड़ा, गोलू ने बहुत मेहनत करी है आज के दिन के लिए। आज के लिए गोलू ने बड़ी मेहनत की है और बहुत ही सुंदर घर सजवाया है गोलू। तो अभी पायल का रूम पायल खोलने की, तो पायल अभी अंदर जाएगी। आंखें बंद करूंगी, गिर जाएगी, छोड़ दे तू, ऐसे चल पाए। चलो ठीक है। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। तो भैया ये एंट्री हो गया बच्चों की। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। हाँ मैंने तो कुछ भी डेकोरेशन नहीं कराई थी, ये बहुत सुंदर है। अच्छा हाँ भैया, लो भैया तीनों बच्चे आ गए हैं बेड पे, जिस बेड को हमने बनवाया था हमारे लिए, अब उनपे बच्चे आज करने वाले हैं। तो पायल का थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेते हैं। पायल को आज कैसा फील हुआ? मुझे बहुत बहुत स्पेशल फील हुआ गाइस, और मेरे को पता था गोलू बहुत अच्छा, बहुत ग्रैंड करेगी मेरा वेलकम, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तुबा का तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल वेलकम हुआ, उसने अपने घर में आज अपने कदम रखे हैं, छोटे छोटे चरण रखे हैं। अब हमारी जो किस्मत है पहले भी चेंज हो चुकी है, अब और चेंज हो जाएगी। बस प्यार आप लोगों का, और दोनों बच्चे सो रहे हैं, यहाँ से अंदाजा लगा लेना भैया। ये देखो देखना, मेरा पापा बोल रहे गाइस इन दोनों को ना मेरे सेम कपड़े पहनाए करेंगे, जैद और अयान को। मैंने कहा ठीक है, देखो दोनों ने आज सॉक्स भी पहनी है सेम सेम। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखिए, सेफ रहें।